नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक इस घटना में साजिशकर्ताओं में नाबालिग लड़की की मां भी शामिल है। लड़की की मां ने ही उसे राजीव नगर थाना स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में भेजा था, जहां कुछ मनचलों के द्वारा गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अर्पित को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक वो ट्रैवल एजेंसी का काम करता है। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने मौके से एक घर से पोछा लगाने वाला कपड़ा भी बरामद किया है। उस पर खून के निशान मिले हैं। आशंका है कि रेप के बाद आरोपियों ने उसी से खून को पोछा था। लड़की की हालत बिगड़ने पर आरोपी ने उसे एक प्राइवेट अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने लड़की को अस्पताल में भर्ती नहीं किया, इसके बाद पीएमसीएच में भर्ती कर दिया गया। उसकी साड़ी पर जो है खून के निशान मिले हैं। इस मामले में पुलिस डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर दिनेश कुमार पांडे ने बताया है कि सूचना मिलते ही एफएसएल की टीम को अपार्टमेंट में जांच के लिए भेजा गया। जांच के दौरान ही एक युवक को हिरासत में लिया गया। इस घटना में पुलिस का बयान काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि लड़की को दरिंदों के सामने उसी की मां ने भेजा था। तो दिनेश कुमार पांडे विधि व्यवस्था डीएसपी 2 हैं। उन्होंने कहा है कि सुबह राजीव नगर थाने को शास्त्री नगर थाना से यह सूचना मिली कि राजीव नगर थाना क्षेत्र के एक अपार्टमेंट में किशोरी के साथ बलात्कार हुआ है। इस सूचना पर पुलिस की टीम उस अपार्टमेंट में पहुंची। इस केस में पीड़ित किशोरी की मां भी मिली हुई है। पीड़िता की मां ही कुछ अन्य लोगों के संपर्क से उसे राजीव नगर थाने के अपार्टमेंट में भेजा था, जहां पर बलात्कार के दौरान उसके प्राइवेट पार्ट में जख्म हुआ है। उसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। पीड़िता इलाजरत है। प्रारंभिक जाँच में जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें पूछताछ किया जा रहा है। आज जो राजीव नगर थाना को जो सूचना मिली कि हेरिटेज अपार्टमेंट में जो है एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना को कारित किया गया है, इसमें जो है कल रात्रि में हवाई अड्डा के एक हॉस्पिटल में एक बच्ची है, नाबालिग बच्ची, उसका इलाज करवाया जा रहा था। उसमें जो है हॉस्पिटल द्वारा तुरंत हवाई अड्डा थाना को सूचना दी गई कि मामला जो है संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। हवाई अड्डा की जो टीम है, थाना की टीम, तुरंत जो है हॉस्पिटल में पहुंची, जहां पे बच्ची को जो है पीएमसीएच में रेफ़र किया गया था बेहतर इलाज के लिए। वहां पर पीएमसीएच में उसको भेजा गया। बच्ची के द्वारा बताया गया कि वो एजी कॉलोनी की रहने वाली है, जिसमें शास्त्री नगर थाना को भी इसमें सूचना दी गई। घटनास्थल विजिट करने के बाद जो है तीनों थाना की टीम ने जब घटनास्थल देखा तो वो राजीव नगर थाना अंतर्गत था। इसमें तीन जो व्यक्ति थे उन लोगों को जो है हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। उसमें कुछ जो तथ्य जो अनुसंधान के क्रम में सामने आए, उसमें ये है कि जो बच्ची है उसकी सौतेली माँ जो है सावल देवी, वो जो है बच्ची से उसको किसी किसी के घर भेजकर जो है उससे देह व्यापार का जो है काम करवाती थी। और इसी दरमियान जो है वो आरती नाम की एक महिला है जो उसके मोहल्ले की ही है, उससे संपर्क में आई। और आरती के साथ ही जो है सोनू एक व्यक्ति जो है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके संपर्क में आई। आरती और सोनू के द्वारा जो है अर्पित नाम के एक लड़के से संपर्क किया गया। अर्पित ने जो है सोनू को संपर्क किया गया और जो है उसमें उन्होंने एक लड़की की जो है डिमांड की गई। उसमें आरती और सोनू जो है बच्ची को लेकर अर्पित के अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ पर अर्पित का जो दोस्त है संजीव वो भी मौजूद थे, और उनके द्वारा जो है बच्ची के साथ रेप किया जाता है। उसमें बच्ची को ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण इन लोगों ने आनंद फानन में जो है उसको एक हॉस्पिटल में लेके गए, उसके बाद उसका इलाज करवाया, जिसमें फिर जो है थाना को जो है हॉस्पिटल में सूचना दी गई। इसमें कुल 5 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया गया है, जिसमें संजीव कुमार, जिनका उम्र जो है 49 ईयर्स है, जो राजीव नगर के ही रहने वाले हैं। सोनू कुमार जो 28 साल के हैं, ये पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं। अर्पित जो है ये 28 वर्ष के हैं, जो संजीव के जो है मित्र हैं। और आरती कुमारी जो सोनू से साथ में रहती हैं, उम्र 35 वर्ष, ये भी जो है शास्त्री नगर थाना की रहने वाली हैं। और सावल देवी जो 35 वर्ष जिनका उम्र है, जो पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उनकी सौतेली माँ है। पीड़िता जो है मूलतः मोतिहारी की रहने वाली है और कुछ वर्षों से जो है यहाँ पर शास्त्री नगर एजी कॉलोनी में रह रही है। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी सौतेली माँ के द्वारा उनको पहले भी जो है कई बार किसी किसी के घर में भेज के जो है देह व्यापार करवाया जा रहा था।
उस बिंदुओं पे जो है हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि जैसे ही पीड़िता जो है बयान देने की उसमें रहेगी, उससे और जो है पूछताछ हम लोग करेंगे। इसमें FSL की टीम के द्वारा जो है ब्लड स्टेन सैंपल, जो है उसके बच्चे के कपड़े, जिस व्हीकल से जो है लेकर जाया गया था बच्चे को इलाज के लिए, उससे जो है सैंपल्स वगैरह सब कलेक्ट किए गए। पीड़िता का जो माँ है सौतेली है अपनी, ये पीड़िता द्वारा बताया गया कि सौतेली माँ है, उसके और परिजनों से हम लोग संपर्क कर रहे हैं ताकि और इसमें पता चल सके। पीड़िता का पिता क्या करते हैं? ये जो है मोतिहारी में ही हैं, जो है मजदूरी वगैरह का इधर उधर काम करते हैं, उनसे भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं। उस फ्लैट में कितने युवक थे और घिनौनी घटना से कितने युवकों ने, ये अर्पित जो है उस फ्लैट में रहते थे, ये मूलतः जो है गाड़ी चलाने का जो है काम करते थे और जो है संजीव के संपर्क में रहते थे। अर्पित की जो फैमिली है वो दशहरा को लेके ही उस समय से जो है अपने गांव गई हुई है अपने वहां पर, और उसी में जो है संजीव कुमार उनके फ्लैट पर आए थे। अर्पित के पिता क्या करते हैं? उसका भी हम लोगों को जानकारी नहीं है, उसमें डिटेल पे जानकारी नहीं है। संजीव जो है ये बताया गया कि ये ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं और उसी में जब इनको गाड़ी वगैरह की ज़रूरत होती थी तो ये अर्पित के संपर्क में आए थे। कुल टोटल कितने लोग? इसमें जो है 5 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया है। फ्लैट में उस समय जो है अर्पित और जो है संजीव थे, और जिनके द्वारा ये घटना की गई है, इसमें आरती और जो सोनू है उनके द्वारा जो है बच्ची को अपार्टमेंट में ले जाया गया था, और जो पीड़िता की माँ है, जो बताया जा रहा है पीड़िता के द्वारा सौतेली माँ है, उनके द्वारा बच्ची को जो है भेजा गया था। ये जो है बच्ची नाबालिग है, 16 से 17 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। पीड़िता की माँ की भी गिरफ्तारी हुई? हाँ जी, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। उनके द्वारा उसमें अपने कन्फेशन में बताया भी गया है कि पैसे के लालच में आकर जो है वो बच्ची से ऐसा काम करवाती थी। बच्ची का तबीयत ठीक है मैडम? अभी PMCH में भर्ती है, हमारे जो है स्टाफ वहाँ पर है, हम लोग डॉक्टर्स के जो है टच में हैं और उसमें हम लोग आ सकते हैं। घिनौनी कार्य के एवज में उसकी माँ ने कितने पैसे लिए थे? इसमें पूरा पेमेंट जो है अभी तक हम लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं कि कितना जो है पेमेंट इन द्वारा लिया जाता है, कि पहले में कितना किया जाता था। हालांकि इलाज के दौरान जो है इन लोगों द्वारा जो अभियुक्त हैं इसमें, उन लोगों ने 20-25 हज़ार जो है हवाई अड्डा में जो हॉस्पिटल स्थित है वहाँ पर दिए हैं, जिनका कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स भी हैं वो भी हम लोग निकलवा रहे हैं। DSP ने यह भी बताया है कि जांच में पता चला है कि नाबालिग की मां से कुछ लोगों ने फोन से संपर्क किया, फिर राजीव नगर स्थित एक अपार्टमेंट के कमरे में भेजा, जहां पूर्व में रह रहे रेलवे कर्मी के बेटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जबरदस्ती की, जिसमें नाबालिग की स्थिति काफी गंभीर हो गई है। लड़की जब इलाज कराने हवाई अड्डा थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने हालत देखकर किशोरी की स्थिति को भांप लिया। डॉक्टरों ने पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया है। डॉक्टरों ने लड़की की स्थिति को देख चुपके से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। हवाई अड्डे की पुलिस ने राजीव नगर थाने से संपर्क किया और मौके पर उसी अपार्टमेंट में भेजा जहां पर वारदात हुई थी। खुद DSP भी उसी जगह पर FSL की टीम के साथ पहुंचे और जांच शुरू की। इस मामले में कुछ अन्य लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। इसका खुलासा पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी करेगी। सुबह राजीव नगर थाना को शास्त्री नगर थाना के माध्यम से एक सूचना मिली कि शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग पीड़िता है, जिनके साथ पाटलिपुत्र हेरिटेज जो राजीव नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ एक अपार्टमेंट में बलात्कार हो की घटना घटी है। घटना की सूचना के बाद राजीव नगर थाना द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुँचा गया और जो थाना द्वारा प्रारंभिक जाँच किया गया, जो प्रारंभिक जाँच में बातें आई हैं कि जो पीड़िता है वो शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं और पीड़िता की माँ के द्वारा ही कुछ अन्य लोगों के सहयोग से पीड़िता को भेजा गया था पाटलिपुत्र हेरिटेज अपार्टमेंट में, जहाँ पे बलात्कार के दौरान उनको कुछ जख्म हुआ और जिस दौरान उनको ले जाकर के अस्पताल में भर्ती किया गया। अभी पीड़िता PMCH में इलाजरत हैं। इस कांड में अभी जो प्रारंभिक जांच में जिनकी भी संलिप्तता आई है उसमें कुछ लोगों से पूछताछ किया जा रहा है। घटनास्थल पर FSL की टीम आ गई है और आगे पीड़िता का बयान लेने का प्रयास किया जा रहा है। आगे जो ही बातें और आएंगी वो आगे बताया जाएगा। बहरहाल पुलिस पीड़ित किशोरी का बयान लेने की कोशिश में है। जैसे ही स्थिति सामान्य होती है उसके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। पुलिस का दावा है कि इस मामले में जल्द ही खुलासा होगा। आपको बता दें कि लगातार राजधानी पटना में दरिंदे बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं और इन्हें पुलिस का भय तक नहीं है। कुछ दिनों में ही 2 गैंगरेप की घटनाएं सामने आई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस फरार आरोपियों को कब तक बचा पाती है, लेकिन राजधानी पटना में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।